अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। अल्लाह ताला बुरी बला बुरी आफत से हमें बचाए। अल्लाह ताला जो बीमार है उन्हें शफा दे। या अल्लाह जो मफलिसी में उन्हें उनकी मफलिसियों को दूर करे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद लंच भी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। बस ये आधी गली हमसे से बता दें। थोड़ी सी मूंग की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, तुअर, चने की दाल, खदली, जीरा, राई। थोड़ा सा कर दिया था
कोथमीर हरी मिर्ची देखिए उबाल आ गया तैयार हो गए फिर मिलेंगे लंच बनाते हुए। चलिए कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने गोश्त और प्याज के साथ धोकर चढ़ा दिया, धोकर रख लिया। एक चम्मच अदरक लहसुन, चार से पांच टमाटर,
नमक टेस्ट के हिसाब से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब प्लीज मिल जाएगा। ये देखिए क्या मिलती है, दो से तीन बिजल्स में ये गल जाएगा। चलिए अभी थोड़ी बॉडी फ्राई कर लेते हैं, फर्स्ट कढ़ाई गरम कर लेंगे। पानी का है डालिए तो और भी अच्छी लगा रहा। अदरक से नमक डालकर ही मैंने गलाया था तो नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, अदरक की तो जरूरत नहीं है। लाल मिर्च थोड़ी सी हल्दी, रोटी पकाने के कई तरीके हैं, कई कई तरीकों से पका सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी और रोटी रखी है, ऑलमोस्ट ये गरी भी अपना टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा दम पर छोड़ देंगे। चलिए करी को देखते हैं,
सिंपल एंड सिंपल, ज़्यादा मसाले नहीं, जो नहीं खा सकते मसाले को ना ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं। अभी मैं चावल चला रही हूँ, गोश्त गल गया था, सोजन की फली डाल दी मैंने, सोजन की फली एंड गोश्त की कड़ी, गोश्त की कड़ी, सोजन की फली, गोश्त की कड़ी। एक सीटी हुई तो ये गल जाता। चावल भी होने आ गया मेरा, चलिए ऑलमोस्ट फली भी गल चुकी, अभी हम खट्टा डालेंगे। आप लोग जितना बढ़ाना है खट्टा डाल सकते हैं, जितना गाढ़ा जितना पतला आप लोग की अपनी अपनी मर्जी। मुझे बर्तन भी ज़्यादा बनाना पसंद नहीं, इसलिए साथ ही साथ वो भी काम हो जाता है, कभी इधर उधर गायब हो जाती है। चलो मेरा खाना भी हो गया ऑलमोस्ट, खट्टा पकने के बाद मसाला रेडी।
कड़ी को, जवारी का आटा, ये करिया पाक है, थोड़ी हरी मिर्ची है जो अभी डाल दूंगी मैं, साथ में थोड़ी कोथमीर भी है। छोटा सा चम्मच है, एक चम्मच थोड़ा सा चटना मसाला भी डाल सकते हैं, चटना मसाला स्पेशल भी मिलता है। ये रहा चटना मसाला, कैमरा फ्रंट रहने से ऐसा उल्टा लग रहा है। थोड़ा सा जो अभी अपनी बॉडी फ्राई की है उसमें डालिए, थोड़ा सा और गरम मसाला इसमें, बस सारे मसाले इस तरह से पीस कर रख लेती हूँ, खड़े मसाले पीसे मसाले सारे मसालों का। अभी इसको हम पानी से घोल लेंगे, बोटी फ्राई एंड खाना रेडी। अब खट्टा भी पका, देखिए खट्टा भी पका, इस वक्त आटा लगाना चाहिए। थिक नहीं होना चाहिए, इतना पतला कर दीजिए इसको। जब इस तरह से पकने लगे इस तरह से डालते डालते चम्मच मिलाइए, मैं तो घट हो जाएगा।
ये फाइनली अभी सब पक चुका, अभी ये चूल्हे को क्लीनिंग है, ये भी कभी कभी सब खलास। चलिए आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक शेयर करिए और ये रेसिपी ट्राई करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आप सब दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।